लाभ हानि से संबंधित कठिन प्रश्न को हल करना, ये हमारा क्वेश्चन लेते हैं एक, तो जिससे कि समझ में आएगा। एक आदमी ने 2 घोड़े 18,000 रुपये में प्रति घोड़े की दर से बेचे, 18,000 रुपये की दर से 2 घोड़े बेचे। एक घोड़े पर 20% लाभ हुआ, मतलब 18,000 में 2 घोड़े बेचे तो एक घोड़े पे बेचा तो उस पर 20% लाभ हुआ, और दूसरे घोड़े पर उसे 20% की हानि हुई, मतलब घाटा हुआ। तो कुल लाभ या हानि हुई उसको दोनों घोड़े को बेचने पे, इसकी गणना हमको करना है। आंसर हमको दिया, निकालते हैं, एक घोड़े का विक्रय मूल्य यदि 18,000 है तो 2 घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? 2 घोड़े का विक्रय मूल्य 18 दूनी 36,000, मतलब 2 घोड़े उसने कुल 36,000 में बेचे। एक घोड़े पर लाभ हुआ 20%, दूसरे घोड़े पर हानि हुई 20%। तो हम किसको इसको दो पार्ट में हल करते हैं। पहला पार्ट हम लेते हैं कि जब घोड़े को 18,000 रुपये में बेचा है एक घोड़े को, तो उस पर 20% उसको लाभ हुआ है, तो इसका विक्रय फार्मूला देखते हैं। सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 धन लाभ कोष्टक में बटे 100, ये हमारा सूत्र है विक्रय मूल्य निकालने का, क्योंकि इसमें लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य एक एक घोड़ा 18,000 में बेचा है, बराबर क्रय मूल्य हमको पता नहीं है जिस पे लाभ हुआ है 20%, 100 धन लाभ कितना 20% हुआ बटे 100, 100 धन 20 120 हो जाएगा बटे 100, क्रय मूल्य बराबर 18,000। इसका हम पक्षांतर कर देंगे 120 बटे 100 का, इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये अंश जो है हर में बदल जाएगा और 100 अंश में आ जाएगा ट्रांसफर करने से दूसरे पक्ष में, बराबर क्रय मूल्य बराबर के इस तरफ ट्रांसफर किए हैं, काट देंगे 0 से 0 काट दिए, है ना, 12 से काटे तो 150 बार कटा, है ना, 12 एक 12 बार 5 60 150 आया, गुणित 100, इस 100 को नहीं काटते हैं, ये वाला 0 से काट दीजिए इसको, ये वाला ठीक है, 12 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, 150 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,000 रुपया। 150 में गुणा किया, प्रथम घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 15,000 रुपया, ठीक है, मतलब पहले घोड़े को जो उसने 18,000 में बेचा 20% लाभ के साथ, तो उसको वो घोड़े को कितने में ख़रीदा था? 15,000 में। तो इस तरीके से कुल मिला के 3,000 का लाभ इसको इसमें हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पार्ट टू जिसमें हानि हुई थी, दूसरा घोड़ा भी उसने बेचा था, दूसरा घोड़ा उसने बेचा था 18,000 में, आ गया, ये पार्ट टू है। दूसरा घोड़ा पर उसको हानि हुई थी 20,000 में और बेचा था उसने 18,000 में, तो इसमें फिर फार्मूला लगाते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 धन 100 ऋण हानि बटे 100, ये फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो इस तक में 100 ऋण हानि बटे 100। तो विक्रय मूल्य बेचा कितने में था? 18,000 में, क्रय मूल्य हमको निकालना है, 100 ऋण हानि हुई है 20%, 100 ऋण 20 बटे 100, 100 में से 20 गया तो 80 बटे 100 आया, क्रय मूल्य बराबर 18,000। इसको अब ट्रांसफ़र कर देंगे 80 बटे 100 को दूसरे पक्ष में, तो ये उलट जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा 80 नीचे हो जाएगा, 18,000 × 100/80 काट देंगे, 100 से 100 काट दिए, 8 का 4 दूनी 8 और 4 25 100, फिर 2 से 1800 को काटे, 2 इनाम 18 0, 900 × 25 ये हो गया 22,500, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या क्रय मूल्य। दूसरे घोड़े को उसने 22,500 रुपये में खरीदा, ये मतलब खरीदा था,
दूसरा घोड़ा खरीदा था 22,500 रुपये में और बेचा उसने 18,000 में। अब हम ये देखते हैं कि उसको लाभ हुई क्या हानि हुई। ठीक है, तो दोनों घोड़ों का कुल क्रय मूल्य, मतलब उसने कितना खरीदा था, तो पहला घोड़ा जो था वो 15,000 में खरीदा था और दूसरा घोड़ा खरीदा था तो 22,500 में खरीदा था, मतलब 22,500 प्लस 15,000 कुल 37,500 रुपये में उसने दोनों घोड़ों को खरीदा था। और जब बेचा था दोनों घोड़ों को तो कितने में बेचा था, 18,000 में, मतलब कुल 36,000 में। तो हमारा 36,000 में हमने बेचा है और 37,500 में दोनों घोड़े खरीदे थे, तो हमको क्या हुई हानि। हानि कैसे निकालेंगे, 37,500 में से हमने खरीदा था और बेचा हमने 36,000 रुपये में, तो कुल हानि हमको हुई 1,500 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब दो घोड़े हमने जो खरीदे थे, दो घोड़े जिस आदमी ने खरीदे थे 18,000 में, मतलब खरीदे थे उसको, वो 18,000 में उसको बेचा, तो मतलब 36,000 रुपये में उसने बेचा और दोनों घोड़ों को वो ख़रीदा कितने में था, एक को 22,500 में, दूसरे को 15,000 में, तो टोटल 37,500 में उसने घोड़े को ख़रीदा और बेचा उसने 36,000 में, तो उसको हानि हुई यानी कि घाटा हुआ, कितने का हुआ, 1,500 रुपये। यदि आपको यह हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, जो रेड बटन दबाएँ, लाइक करें यदि अच्छा लगे तो।